नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में ऑल इंडिया न्यूज। हम अभी बनारस के 80 घाट पे हैं और आज हम एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने आए हैं। अभी रिसेंटली भारत सरकार ने लेबर रिलेशनशिप को इंडिया में लागू कर दिया, तो इससे मैं काफ़ी लोगों से पूछूंगा, रिव्यू लूंगा, क्या लगता है कि कैसा रिस्पॉन्स लूंगा, लेबर रिलेशनशिप का लागू करना सही था, गलत था या नहीं। तो चलिए बात करते हैं लेबर रिलेशनशिप पे। हेलो, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम आशुतोष है। आशुतोष, क्या करते हैं आप? जी सर, मैं आईटी सेक्टर से डेवलपर हूँ। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, मैं प्रॉपर यहीं का हूँ, लोकल हूँ। आज मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा। आपने कभी सुना, आपकी गर्लफ्रेंड है पहले? ओके, तो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छा। ओके, तो आपको लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। मैं भी पता है। मैं भी पता है? हाँ, खुल के तो नहीं बोल सकते ना, घर वाले देख रहे हैं। घर वालों से क्या भाई, जो लॉजिक है तो लॉजिक है।, पता है। हम आपसे बात करने आए हैं कि अभी रिसेंट आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप को इंडिया में लागू कर दिया है। मतलब आप लिव इन रिलेशनशिप में आप आराम से किसी लड़की के साथ चाहे आप गर्लफ्रेंड के साथ रह सकते हैं। इस पर किसी को, किसी पुलिस वाले को कोई भी कानून इस पर लागू नहीं होता। क्या लगता है, ये सही हुआ? सर देखिए, जहाँ चीज़ें बढ़िया होती हैं वहाँ ख़राब भी होती हैं। पहले क्या होता था, कभी भी हम लिविंग रिलेशनशिप में अगर रहते थे तो लोग इस चीज़ों को गलत वे में लेते थे, जो कि एक तरह से सही भी है और एक तरह से गलत भी है, क्योंकि कोई चीज़ें अगर सीमित समय तक रहें वो ठीक रहती हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा चीज़ें जाती हैं तो वो तो खतरनाक होता है। अब जहाँ तक रही पुलिस की बात, तो पहले लोग इस चीज़ के लिए डरते थे कि अगर किसी होटल में पकड़े गए या फिर कहीं पे गए या कहीं घूम रहे हैं पकड़े गए, तो वहाँ चीज़ें लोगों को डर लगता था कि हाँ पकड़े जाएंगे तो घर वाले क्या कहेंगे, या फिर कोई अगर मान लीजिए कहीं जॉब हम कर रहे हैं, पर्टिकुलर कहीं जॉब कर रहे हैं अगर, तो वहाँ पे अगर हम कहीं अगर साथ में रहना चाहते हैं तो हम, अगर हमारी गर्लफ्रेंड ही हैं तो उनको अलग रहना पड़ता था, आपको अलग रहना पड़ता था। तो अब ये चीज़ें अच्छी हो गई हैं कि हम लोग साथ में रह सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से थोड़ा सही हुई हैं बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए भी। तो आपके कहने का मतलब है कि पहले अच्छा नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है तो आप गर्लफ्रेंड के साथ घर पे उसके रह सकते हैं। आप रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आपने अपने विचार को हमारे सामने हमारे चैनल पर रखा। हम आपके विचार को कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जनरली मैं ऐसे पूछूंगा कि आपने कभी अपने गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप में रहा है? नहीं सर, फिलहाल में तो नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ कभी मौका भी नहीं मिला। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो लागू हो गया इंडिया में कानून, ये सही है? सही भी है और एक तरह से गलत भी है, क्योंकि फॉरेन में आप देख लीजिए कि 18 साल के पार जो बच्चे जाते हैं उनको फ्रीडम दे दी जाती है और वो सक्सेस भी होते हैं। तो कुछ चीज़ें के लिए अगर हमारे पेरेंट्स अगर और हमारे समाज अगर किसी चीज़ के लिए फ्रीडम हमें दें, तो ज़रूरी नहीं कि हम उस चीज़ को गलत वे में ले जाएंगे। ज़रूरी ये भी हो सकता है कि हम उसको सही वे में लेके जाएं। लिविंग रिलेशनशिप ठीक है, सही है, लेकिन हर जगह नहीं। अगर हमारा माहौल वैसा नहीं है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए, हमारा समाज अगर इस चीज़ को नहीं अगर एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैं इसके लिए खिलाफ रहूँगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछना है, बॉम्बे दिल्ली तो ठीक है, चलो लिव इन चल रहा है बॉम्बे दिल्ली में, क्या लगता है बनारस में सही होगा? क्योंकि बनारस आपको पता है महादेव की नगरी है, धर्म की नगरी है, तो यहाँ पे लिव इन के लिए आप क्या सोचते हैं? सर जहाँ देखिए धर्म की बात आती है वहाँ पे मुठभेड़ तो होते ही, ये सब जानते हैं, और जहाँ तक दिल्ली मुंबई की बात है वो ओपन सिटी हो चुकी है, लेकिन हमारे बनारस एक जानते हैं ये काशी नगरी है, महादेव की नगरी है, तो यहाँ लोग जो पुजारी वाले माइंड वाले होते हैं वो थोड़ा इसको एक्सेप्ट करने में काफ़ी थोड़ा समय लगेगा, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, क्या लगता है लिव इन रिलेशनशिप गलत है या सही है? सर अपनी जगह सही है, कुछ जगह गलत है। सही कैसे है? सर सही इसलिए है कि जैसे जिनके जिनको अपने साथ मतलब किसी गर्लफ्रेंड हैं या फिर हमारी फ्रेंड है, उनको अगर प्राइवेट टाइम अगर स्पेंड करना होता है, अगर वो अपने लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप वो फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए सही है, अगर टाइम पास के लिए है तो भाई किसी की ज़िंदगी थोड़ी ना कोई ख़राब करेगा, तो गलत है, वो सोच का डिफरेंस है। चलिए, अच्छा लगा बात करके आशुतोष। वैसे आपका जो विचार है मुझे लगता है कि बहुत अच्छा विचार है, लिव इन रिलेशनशिप कोई गलत नहीं है, अच्छी चीज़ है, बस माहौल पे डिपेंड करता है। जी, चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने देखा हमारे YouTube चैनल पे आशुतोष ने अपना रिव्यू रखा, अपना अपने विचार को रखा कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है, सही है। चलिए एक दो लोगों से और पूछते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप की क्या के मायने क्या है, क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि आशुतोष के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप सही है। चलिए हम बात करते हैं निकेत से, फिर से बात करते हैं। निकेत, आपने अब वैसे आपने सुना होगा कि लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में लागू हो गया, क्या लगता है सही है गलत है? सर मेरे ख्याल से तो सही है सर। कैसे? सर जिसके साथ हम लोग अपना लाइफ पार्टनर चुनने वाले हैं सर, तो सर उसको जानना भी ज़रूरी है सर।
तो हम लोग को टाइम मिलना चाहिए उसको जानने के लिए। तो मेरे ख्याल से सही है सर। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? सर अभी तो नहीं है। नहीं है मतलब आप सिंगल हैं, लेकिन आपको आप मानते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में रहना सही है? जी सर। लेकिन आप बाबा विश्वनाथ की नगरी में रहते हैं, महादेव की नगरी में रहते हैं, काशी में रहते हैं। काशी आपको पता है धर्म से रिलेटेड एक नगरी है, धर्म की मतलब एक इतिहास से भी पुराना कह सकते हैं काशी का इतिहास है। तो क्या लगता है बॉम्बे दिल्ली की तरह काशी में भी लिव इन रिलेशनशिप सही होगा? सर सही तो होगा सर, लेकिन यहाँ के लोग जो है एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाएंगे क्योंकि लोग बहुत पुराने ख्याल हो गए हैं। आपने सही कहा। चलिए आपका विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। अब एक विचार रखते हैं किसी लड़की से रखते हैं, उनका विचार क्या रहता है इस बात को लेके। चलिए मैडम क्या नाम है आपका? धारणा। सॉरी? धारणा। मैम आपने अभी सुना होगा कि भारत सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप को इंडिया में लागू कर दिया है, मतलब ये कहना है गवर्नमेंट का कि ये सही है, आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो। आपका इस पे मानना क्या है? फिलहाल तो अभी जैसी पहले की पुरानी परंपरा चली आ रही है तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये लोगों के लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है ना। लोग दिल्ली मुंबई में तो ये सारी चीज़ें पहले से चली आ रही हैं। अब अगर ओल्ड सिटीज़ में देखा जाए, जैसे वाराणसी की बात करें अगर, तो वाराणसी में आप अभी भी लोगों की वही सोच है जो पहले थी कि लिविंग रिलेशन गलत है। तो मतलब आपके मुताबिक लिविंग रिलेशनशिप में रहना सही है? नहीं, सही भी नहीं है, गलत भी नहीं है। तो गलत कैसे नहीं है? सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। अगर आप बहुत ब्रॉड माइंड हैं तो डजेंट मैटर, मगर यहाँ बात आती है कि आप जिसके साथ रह रहे हैं लिविंग रिलेशन, आप सीरियस हैं कि नहीं। क्योंकि तो मतलब आपका कहना है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो मतलब एक सीरियस, मतलब कह सकते हैं सीरियस लव को, जो भी चीज़ों को लेके, राइट? चलिए आपका विचार मुझे मैम बहुत अच्छा लगा। वैसे कहाँ की रहने वाली हैं? वाराणसी से ही हूँ मैं। तो क्या लगता है बाबा विश्वनाथ की नगरी में लिव इन रिलेशनशिप को एक अलग नज़रिए से देखा जा सकता है? देखना तो हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड है कि वो कैसा सोचता है। अगर वो ब्रॉड माइंड है तो वो उस हिसाब से सोचेगा कि उसके बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं, अगर मैं ही बाहर अभी अगर पढ़ाई कर रही होती या नौकरी कर रही होती और शादी नहीं हुई होती तो मेरे पापा मम्मी सोचते कि अरे कैसे रह रही होगी, किसके साथ रह रही होगी, कहीं किसी से अफेयर तो नहीं है। मगर अगर मैं सीरियस हूँ, किसी के साथ शादी करना चाहती हूँ तो मेरा लिविंग रिलेशन सही माना जा सकता है। चलिए मैम बहुत अच्छा लगा आपका जो विचार यहाँ पर आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर रखा। आपका